हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी मेजरमेंट एंड स्केलिंग। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पीएचडी के कोर्स वर्क में ये टॉपिक आता है, पीजी में रिसर्च में ये टॉपिक आता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी दिस टॉपिक। सो आई विल गिव यू अ ब्रीफ अबाउट टुडेज प्रेजेंटेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट एंड स्केलिंग, देन वील अंडरस्टैंड द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। उसके बाद हम करेंगे क्लासिफिकेशन, देन क्राइटेरिया फॉर गुड मेजरमेंट एंड फैक्टर्स इन सेलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट मेजरमेंट स्केल। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट वाइल अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट। क्या होता है मेजरमेंट? मेजरमेंट इज बेसिकली असाइनिंग सम नंबर्स और सम सिम्बल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स टू सर्टेन सब्जेक्ट्स और टू सर्टेन ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली आप किसी चीज़ को नंबर्स के फॉर्म में डिफाइन करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मेजरमेंट बोलते हैं। एंड स्केलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द रिस्पॉन्डेंट इन द कॉन्टिन्यूम। इसका मतलब क्या है कि स्केलिंग में आप क्या करते हो? बेसिकली यू रेट समवन। आप किसी को स्केल देते हो, रेट देते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि जेट एयरवेज में आप गए एंड टेल मी योर सेटिस्फैक्शन लेवल फ्रॉम 1 to 10, तो आपने क्या, यू विल गिव 9 out of 10। दैट मीन्स यू आर हाईली सेटिस्फाइड विद द जेट एयरवेज। तो आप क्या कर रहे हो? स्केलिंग का मतलब क्या है कि आप एक कॉन्टिनम पे प्लेस कर रहे हो कि भाई मुझे इतना सेटिस्फैक्शन मिला, इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो ये होता है स्केलिंग। मेजरमेंट इज ओनली अबाउट असाइनिंग द नंबर्स और स्केलिंग इज प्लेसिंग द रिस्पॉन्डेंट ऑन द कॉन्टिनम। यही बेसिक डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। सो सबसे पहले हम करते हैं लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। तो लेवल्स ऑफ मेजरमेंट में सबसे पहले हमारा आता है नॉमिनल स्केल, एंड देन वी हैव ऑर्डिनल स्केल, देन वी हैव इंटरवल स्केल, एंड देन वी हैव रेशियो स्केल। अब मैंने ये सर्कल की फॉर्म में डायग्राम क्यों बनाया है? सी, जो प्रॉपर्टीज नॉमिनल स्केल की है वो तो नॉमिनल स्केल की है, ठीक है, डन। जो ऑर्डिनल स्केल के अंदर जो प्रॉपर्टीज आएंगी वो नॉमिनल स्केल की भी आएंगी प्लस ऑर्डिनल स्केल की भी आएंगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरवल स्केल के अंदर जो प्रॉपर्टीज आएंगी वो नॉमिनल स्केल की भी आएंगी, ऑर्डिनल स्केल की भी आएंगी और इंटरवल स्केल की भी आएंगी। और रेशियो स्केल के अंदर जो प्रॉपर्टीज आएंगी वो नॉमिनल की भी होंगी, ऑर्डिनल की भी होंगी, इंटरवल की भी होंगी। इसीलिए मैंने ये डायग्राम बनाया। सो नाउ व्हाट इज नॉमिनल, on what is nominal scale? Nominal scale is the, basically the lowest level of measurement or the first level of measurement scale. Basically aap jab, you know, you assign only tags or labels to classify or identify the object. Matlab ki aapne kya kiya, sirf usko jaise basketball mein nahi hota ki jersey ke piche number likhe hote hain 07 03 04, that means ki aap kisi ko identify karne ke liye wo numbers de dete ho, wo symbols de dete ho. To aise hi nominal scale hota hai ki jab you give labels, you give tag, you give symbols to identify or classify the objects. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई डाटा कलेक्ट करना है, आपने तीन सिटीज हैं, मान लो एक सिटी का नाम है सोना, दूसरी का नाम है मान लो यहाँ पे, चलो यहाँ पे भोपाल ले लेते हैं, स्टेट ले लेते हैं, यहाँ पे गुरुग्राम ले लेते हैं, हरियाणा ले लेते हैं, एंड ठीक है, ये तीन जगह हैं। अब यहाँ पे मैं आपको क्या करूँ, बोलूँ कि आपने इसको 1 असाइन कर दिया, इसको 2 असाइन कर दिया, इसको क्या असाइन कर दिया, 3 असाइन कर दिया। तो ये क्या हो गया? नॉमिनल स्केल। बेसिकली आपने क्या किया, उसको एक न्यूमेरिक वैल्यू दे दी, एक जो है टैग दे दिया कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ऐसे ही रिसर्च में जब हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी को न्यूमेरिक वैल्यू या लेबल दे देते हैं, उसको हम नॉमिनल स्केल बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, आई का कलर मे बी ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, कंट्री का बर्थ। बेसिकली जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्लासीफाई कर देते हो जेंडर को, दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर देते हो, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। तो आपने क्या किया, इनको क्लासिफाई कर दिया आइडेंटिफाई करने के लिए। अब या फिर आप किसी को सिर्फ दो कैटेगरीज में डब्बा बांट रहे हो, ये सर नो के में, तो वो नॉमिनल स्केल होता है कि आप बेसिकली ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करने के लिए कैटेगरीज में बांट रहे हो। उसके बाद होता है ऑर्डिनल स्केल। और नाउ व्हाट इज ऑर्डिनल स्केल? ऑर्डिनल स्केल के अंदर जो प्रॉपर्टीज आएंगी वो नॉमिनल स्केल की तो आएंगी आएंगी कि यू कैन क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद ऑर्डिनल स्केल इज द सेकेंड लेवल ऑफ मेजरमेंट। यू कैन रैंक द जो है डाटा, यू कैन डिफाइन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। मीन्स देखो, जो पहले क्या था, मैंने आपको बताया था कि भोपाल, हरियाणा और सोना, यहाँ पे आप इसको 1 2 3 लेबल कर रहे हो, तो भोपाल इज बेस्ट ऐसा नहीं बोल रहे हो, आपने सिर्फ रैंडमली 1 2 3 इनको क्या किया, लेबल कर दिया। लेकिन जो ऑर्डिनल स्केल होता है उसमें देयर इज अ पर्टिकुलर ऑर्डर। मतलब कि सपोज जो है, अगर आप बोल रहे हो इफ यू आर यू नो कम्पीटिंग इन अ रेस, सो अगर आप फर्स्ट आते हो, दूसरा बंदा सेकेंड आता है, तीसरा बंदा थर्ड आता है, तो फर्स्ट का क्या मतलब है कि आप आगे हो उनसे, यू आर सुपीरियर, वो है, वो आपसे जो है पीछे हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली रैंक आप देते हो ऑर्डिनल स्केल में, रिलेटिव रैंकिंग इज प्रोवाइडेड टू द वेरिएबल्स, ठीक है, मैग्नीट्यूड आपको पता लग जाता है, इट गिव रैंकिंग
इंटरवल नहीं पता होता। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रेस में फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, तो आपको पता है दिस वन इज सुपीरियर, दिस टू आर इंफीरियर। ये कितना सुपीरियर है कितना इंफीरियर है ये हमें नहीं पता। वी डोंट नो द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन देम और द इंटरवल बिटवीन देम। तो आप इसमें सिर्फ रैंक दे सकते हो, ऑर्डिनल डाटा। सो अब वट इज ऑर्डिनल स्केल? बेसिकली नेमिंग प्लस रैंकिंग, ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डिनल स्केल हो गया। देन एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ कोई फर्स्ट आता है, सेकेंड आता है, थर्ड आता है, यू गिव रेटिंग टू द रेस्टोरेंट कि ये वाला रेस्टोरेंट इज बेस्ट, दैट वन इज बैड। तो दिस इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, ऑर्डिनल स्केल हो जाता है। देन वी हैव इंटरवल स्केल। नाउ वट इज इंटरवल स्केल? इंटरवल स्केल हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉमिनल स्केल प्लस ऑर्डिनल स्केल। नाउ इंटरवल बाय बाय द नेम इट सेल्फ यू कैन आइडेंटिफाई दैट देयर इज अ पर्टिकुलर इंटरवल बिटवीन द वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल द डिफरेंस बिटवीन 10, 20, 30, यू नो दैट कि 20 में से 10 गए 10, 30 में से 20 गए 10, सो देर इज अ यू नो द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन देम। तो ऐसे इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट होता है कि वेन यू नो द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स यू कैन क्वान्टिफाई देम। दीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि आपने 30 में से 20 माइनस किया तभी तो आपको डिस्टेंस उसका पता लगा, बट दीज कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड और दीज कैन नॉट बी डिवाइडेड। इट इज हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग द मीन एंड मीडियम। इट इज़ प्रेफर्ड इन स्टैटिस्टिक्स बिकॉज यू कैन असाइन न्यूमेरिकल वैल्यूज। सो ये इंटरवल स्केल होता है हमारा, दिस इज थर्ड लेवल ऑफ मेजरमेंट वेयर यू कैन आइडेंटिफाई, यू कैन यूज द नॉमिनल प्रॉपर्टीज, यू कैन रैंक, प्लस यू कैन प्रोवाइड और यू हैव एन एडिक्वेट इंटरवल बिटवीन द वेरिएबल्स, और इनके इंटरवल्स में क्या होता है, मीनिंगफुल differences होते हैं। सो दिस इज इंटरवल स्केल। एंड देन यू हैव रेशियो स्केल। नाउ वट इज रेशियो स्केल? रेशियो स्केल इज द लास्ट लेवल। इट पोजेज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द अबव थ्री स्केल्स। इट इज द फोर। इट इज क्वान्टिटेटिव इन नेचर। इट अलाउज द रिसर्चर टू कंपेयर द डिफरेंस। एक यूनिक फीचर इसका क्या होता है कि दैट इट हैज जीरो पॉइंट, हैज अ फीचर ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। इट डज नॉट कंटेन नेगेटिव नंबर्स बिकॉज इट इज अ जीरो पॉइंट फीचर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंटरवल स्केल में यू डोंट हैव अ जीरो पॉइंट ओरिजन, रेशियो स्केल में आपके पास जीरो पॉइंट ओरिजन होता है, यही एक नॉर्मल डिफरेंस होता है। यू कैन ऐड दिस, यू कैन सब्ट्रैक्ट दिस, यू कैन मल्टीप्लाई, यू कैन डिवाइड, मीन मीडियन मोड भी इसका कैलकुलेट हो सकता है बेसिकली। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्केल। देन टू गिव यू अ समरी आई हैव एडेड दिस पिक्चर। इसमें यू कैन सी दैट यू नो टाइप डाटा कैन बी क्लासिफाइड इन टू टू पार्ट्स, क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वान्टिटेटिव इज दैट कैन बी यू नो मेजर्ड, दैट कैन बी मेजर्ड विद नंबर्स, दैट कैन बी क्वान्टिफाइड। एंड नॉन न्यूमेरिकल डाटा इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डाटा, दैट ओनली हैव कैटेगरीज, येस और नो। सो नाउ क्वान्टिटेटिव डाटा कैन बी क्लासिफाइड इन टू फर्दर टू पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। नाउ वट इज डिस्क्रीट? वेयर होल नंबर्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, एंड कॉन्टिन्यूस इज वेयर नंबर्स कैन बी ब्रोकन डाउन सच एज हाइट, वेट। सो इन कॉन्टिन्यूस स्केल इज फर्दर डिवाइडेड इंटू रेशियो एंड इंटरवल स्केल। तो बेसिकली जो ये हमारा इंटरवल एंड रेशियो स्केल होता है वो क्या होता है, वो क्वान्टिटेटिव स्केल होता है। आपने पीछे भी पढ़ा है अभी, क्यों? बिकॉज यू नो यू कैन क्वान्टिफाई द नंबर्स। और ये किसका पार्ट होता है? ये कॉन्टिन्यूस क्वान्टिटेटिव स्केल का पार्ट होता है ना। क्वालिटेटिव स्केल में वेर आर यू जस्ट हैव द कैटेगरीज, तो दैट इज नॉमिनल। अभी हमने नॉमिनल के बारे में पढ़ा, यू जस्ट नेम द थिंग्स और आइडेंटिफाई देम विद द टैग्स। एंड ऑर्डिनल वेयर यू कैन रैंक, लाइक यू आर हैप्पीएस्ट, यू आर नॉट हैप्पी, तो आप रैंक दे सकते हो। तो ये हमारा क्या है, बेसिकली छोटी सी समरी। सो नाउ विल अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट स्केल्स। सो द फर्स्ट वन इज सिंगल आइटम स्केल, देन मल्टीपल आइटम स्केल एंड कॉन्टिन्यूस रेटिंग स्केल। नाउ वट इज सिंगल आइटम स्केल? सिंगल आइटम स्केल इज वेन यू आर टेकिंग ओनली वन एट्रीब्यूट इन टू कंसिडरेशन। एंड मल्टीपल आइटम स्केल इज वेन यू आर टेकिंग मल्टीपल एट्रीब्यूट इन द कॉन्टिन्यूएशन। एंड नाउ वट इज कॉन्टिन्यूस रेटिंग स्केल? बेसिकली कि आप, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राफिक रेटिंग स्केल। अभी हम इसको आगे वाली प्रेजेंटेशन में और डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंगल आइटम स्केल, वेयर ओनली सिंगल एट्रीब्यूट इज मेजर्ड। इट इज फर्दर डिवाइडेड इन टू मल्टीपल चॉइस स्केल। नाउ वट इज मल्टीपल चॉइस स्केल? बेसिकली वेयर द रिस्पोंडेंट इज गिवन मल्टीपल चॉइस फॉर द क्वेश्चन। लाइक यू विल मेजर अ सिंगल एट्रीब्यूट। मान लो आपको सिर्फ एक ही चीज़ पूछनी है, एक ही एट्रीब्यूट के बारे में पता लगाना है। जैसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, यू बिलोंग टू विच रीजन? हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश। सो बेसिकली इट डज नॉट प्रोवाइड रैंकिंग, इट हैज़ ओनली नॉमिनल रिस्पॉन्सेज। सो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल चॉइस स्केल, वेयर यू हैव अ सिंगल क्वेश्चन विथ मल्टीपल रिस्पॉन्स। देन वी हैव फोर्स रैंकिंग मेथड। नाउ वट इज फोर्स रैंकिंग मेथड? फोर्स रैंकिंग मेथड इज वेयर यू आर फोर्स्ड,
Now, why the name is called force ranking method? Because you are forced to give certain answer. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि आपको ये चीज़ पसंद है, ठीक है, अब आप बोलोगे आपको बेशक से वो चीज़ पसंद नहीं है, मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, आपको ये चीज़ पसंद है, आपको ज़्यादा पसंद आई, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई, या आपको उससे भी ज़्यादा पसंद आई, बट लेकिन आपको वो पसंद ही नहीं है, बट लेकिन आई हैव फोर, वो मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया कि यू डोंट लाइक इट, मैंने बोल दिया आपको यू लाइक इट, यू वेरी मच लाइक इट, यू वेरी वेरी मच लाइक इट, तो आपको सिर्फ इस इन तीनों ऑप्शन में से एक चूज करना है, तो यू आर फोर्स्ड टू गिव एन आंसर, आपको उसमें से रैंकिंग देनी है। सपोज मैंने आपको क्या क्या चार ब्रांड्स दे दिए, नाइक, ठीक है, एडिडास, एंड एक और ब्रांड मुझे जूतों का याद नहीं आ रहा, ठीक है, मान लो यही दोनों ब्रांड है, और मैंने आपको पूछ लिया कि कौन सा अच्छा है, तो आपको बेशक से दोनों ही पसंद नहीं है, बट मैंने आपको ऑप्शन ही नहीं दिया कि नन ऑफ दीज, आपको इनमें से चूज करना है आपको कौन सा ब्रांड अच्छा लगता है। तो दिस इज फोर्स चॉइस रैंकिंग मेथड वेयर यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, और जो है यहाँ पे आंसर तो देखो सभी करने होते हैं, बट लेकिन यहाँ जो रिस्पॉन्डेंट है उसके हिसाब से चीज़ें लिस्ट नहीं होती, जो पर्सन है उसको बना रहा है द स्किल डिजाइनर, उसके हिसाब से चीज़ें जो है डिफाइन होती है। सपोज जैसे मान लो ये ब्रांड, ये चीज़ें हैं, आपको बोला कि इन मैगजीन में से यू विच इज़ योर प्रेफर चॉइस, आप इन इन मैगजीन को पढ़ते ही नहीं हो, फिर भी आपको पूछा गया कि भाई इनमें से आपकी प्रेफर चॉइस कौन सी है, तो दिस इज फोर्स चॉइस मेथड। देन वी हैव कंपेयर्ड कंपैरिजन टेक्निक। नाउ व्हाट इज पेयर कंपैरिजन टेक्निक, वेयर यू आर प्रेजेंटेड विद सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, ब्रांड, स्टिमुलस, एंड यू हैव टू यू नो कंपेयर, नाम से ही आपको पता लग रहा है, पेयर कंपेरिजन टेक्निक, दैट मीन्स यू आर प्रेजेंटेड विद सर्टेन ऑब्जेक्ट्स एंड यू हैव टू कंपेयर कि आपको कौन सा पसंद है, एंड यू हैव टू चूज वन आउट ऑफ देम। तो अ रिस्पॉन्डेंट इज प्रेजेंटेड विद द पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, ब्रांड और स्टिमुलस एंड इज सपोज टू प्रोवाइड हिज और हर प्रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। द पेयर कंपेरिजन स्केलिंग इज अ कंपेरेटिव स्केलिंग टेक्निक वेर इन रिस्पॉन्डेंट इज शोन टू ऑब्जेक्ट्स एट द सेम टाइम एंड आस्क्ड टू सेलेक्ट वन आउट ऑफ द डिफाइंड क्राइटेरिया, दैट मीन्स यू हैव टू चूज वन आउट ऑफ द लिमिटेड नंबर। तो यहाँ पे क्या है कि आपको दो चीजें दी हुई है, यू हैव टू चूज वन। देन वी हैव कॉन्स्टेंट सम स्केल। नाउ वट इज द कॉन्स्टेंट सम स्केल, यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में मैं इफ आई टेल यू, रिस्पॉन्डेंट इज गिवन बेसिकली एट्रीब्यूट्स। सपोज यू आर बाइंग अ कार, सो यू नो अ स्केल इज गिवन हेयर, यू आर गिवन दी एट्रीब्यूट्स कि आप प्राइस को, यू विल कंसिडर प्राइस, यू विल कंसिडर पावर, यू विल कंसिडर स्पेस, यू विल कंसिडर माइलेज और यू विल कंसिडर कलर रेंज, आपको यू नो ये एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, तो वट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गिव पॉइंट्स टू दीज एट्रीब्यूट्स एंड दीज पॉइंट्स शुड मेक अ सम टोटल ऑफ 100। मतलब आपको करना क्या है इसमें बेसिकली कि दैट यू हैव टू यू नो एलोकेट द पॉइंट्स इन सच अ वे दैट द सम टोटल इज देयर ऑफ 100। सो कॉन्स्टेंट सम स्केल इज अ स्केलिंग मेथड वेयर यू विल रेट द ऑब्जेक्ट्स, यू विल असाइन नंबर्स टू द क्वेश्चंस और टू द एट्रीब्यूट्स एंड द सम टोटल शुड अकर 100। लाइक सपोज इफ यू आर कंसिडरिंग द प्राइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, सो यू हैव गिवन इट 45, पावर स्टेयरिंग इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, देन यू आर गिविंग इट 5, देन स्पेस इज ओके एंड देन माइलेज कलर चेंज, सो दिस इज मेकिंग टोटल ऑफ 100। दैट मीन्स कि ये जो है आपका 45 जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको ना टोटल यू नो जो रिस्पॉन्डेंट है उसको बार बार देखना पड़ेगा, अच्छा इसको मुझे 100 देना है, तो वो रीटोटल करेगा, रीकैलकुलेट करेगा चीज़ों को, और इसको एनालाइज करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। नाउ वी हैव डायरेक्ट क्वांटिफिकेशन स्केल। नाउ वट इज डायरेक्ट क्वांटिफिकेशन स्केल, दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ आस्किंग इन्फॉर्मेशन। लाइक सपोज डायरेक्टली यू आर आस्किंग दैट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन अ मंथली यू कंज्यूम बाई यूजिंग योर पर्सनल कार और हाउ मच इज योर इनकम फ्रॉम दी अदर सोर्सेज। So this is the simple that directly you are asking the question and then you'll quantify the data. Then you have Q-Scott scale. Q-Scott scale, what are these? This is a technique where you are presented with certain statements and then you have to sum up those statements into piles. कहने का मतलब क्या है कि आपको जो है बहुत सारे statements दे देंगे and then you have to sum up these statements. For example, suppose the respondents are given 100 motivational statements on individual cards and these are asked to pile them into place them into 11 piles. So you will range from the most agreed with the least agreed. So generally the most agreed one are placed on the top. Q-Scott scale में अगर आपको simple language में बताऊँ तो बहुत सारी statements आपके पास होती है और आपको उनको छोटी छोटी मोटी मोटी piles में you have to sum up them so that आप उनको फिर बाद में analyze कर सको। जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है you will put it in the most agreed और जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है वो आपको least agreed में डालोगे। And then we have multiple item scale. Multiple item scale is where
you go towards more than one attribute. It is a rating scale where a single question have multiple items. So we have generally three scales, Likert, semantic differential and Stepan scale, which are the example of multiple item scale. Now we have Likert scale. Likert scale is basically was developed by Rensis Likert. Here the responses are divided into five categories, as we know that strongly agree, disagree, undecided, agree and strongly agree. So basically you are given the five categories and you have to choose one. Strongly agree and the disagree are the two extremes, and then disagree to agree lies in the middle. The major advantage is that you have a very much ease of construction and easy to administer. The major disadvantage is that the respondent has to, you know, read all the questions carefully and then they have to rate them. So it takes more time to complete the process. That is the most disadvantage of this scale. And then we have semantic differential scale. Semantic differential scale is a scale which was developed by Charles Ogden, George Suchy, Percy Tenenbaum, I don't know how to pronounce them, in 1957. See, this scale have two bipolar subjective. One is the completely opposite of another. See, so like if hair it is written very easy, the other side will be having very difficult. So you have two extreme points of the one power adjective. ठीक है, तो इसमें like suppose you know you can write here intelligent and you can write here not intelligent, average or below average. Here you will write techno savvy, here you will write tech illiterate. So basically you have to rate, the respondent has to rate among these adjectives only. एक चीज़ का ध्यान आपको इसमें रखना है, you have to keep one thing in mind that you know the questions should not have, you know, आपको ऐसे नहीं करना है on one side you're giving the positive attributes and on the other side you are giving the negative attributes. You have to mention, you know, some positive on the left side, some negative on the right side, some negative on the right and some positive on the left side. तो इस तरीके से करना है. इस तरीके से क्या होगा, that halo effect would be avoided. Now what is halo effect? Halo effect is when you know the respondent will carelessly mark every answer. आपको लगेगा left side पे तो सारे अच्छे अच्छे हैं, तो आपने सारे positive mark कर दिए. So this you have to avoid to you know ignore the hello, to avoid the hello effect. Then we have Stepan scale. Stepan scale is a variation of semantic differential scale. Here you will present one single adjective, like suppose high quality food, you have to rate them. Either you'll give them plus 5, minus 5, or you can give it either of these numbers that you totally wish. So here Stepan scales are the variation of semantic differential scale and they have only single adjective. Then we have continuous rating scale. Basically here this is also called graphic rating scale. Here the researcher is allowed to mark his or own rating according to their will. They don't have to choose either worst or they don't have to choose best. Accordingly they can mark anywhere. Suppose they are marking here, so that means ki they are liking, they are somewhat liking or somewhat not liking the tool. They can place it here, anywhere. So researcher has own freedom to choose whatever rating they want to give. So this is called continuous rating scale. Now we'll understand the validity or the criteria for good measurement. Here for any criteria, for any measurement to be good, there are three things that you have to keep in mind. One is validity, the other one is reliability, and the third one is sensitivity. Now what is validity? Validity is basically you are measuring what you are supposed to measure. It is further divided into three parts: content, criteria and construct validity. We'll understand them in detail. Now first understand that what is validity. Validity is basically the ability of the instrument to measure what it is designed to measure. मतलब कि जो आपको measure करना है वही चीज़ आप measure कर रहे हो, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, validity बोलते हैं. ऐसा नहीं है कि valid का मतलब ये नहीं है कि इसके बाद ये expire हो जाएगा. Valid का मतलब ये है, you are measuring what you are supposed to measure, what you are designed to measure. Suppose if you want to understand the consumer satisfaction, you want to understand the consumer satisfaction. So here you have to understand, आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल द डिस्काउंट पॉलिसी, पार्किंग फैसिलिटी, प्राइजिंग पॉलिसी और वट एवर. सो ये सी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रख के, जो आपको मेजर करना है वही आपको मेजर करना है. इसमें आप कुछ और एक्सपेंसिव चीज़ें इंक्लूड नहीं कर सकते हो. नाउ द वैलिडिटी इज फर्दर क्लासीफाइड इन टू थ्री पार्ट्स:
content criteria and construct. Now what is the content validity? Let me explain you. Content validity is basically the subjective evaluation of the scale for its ability to measure what is supposed to measure. See, I'll tell you, the group of experts will come, a team will be formulated, or the researcher or the person who is doing the research or the scale designer will examine the content, of the measuring instrument. They will find that this content is providing adequate coverage or not, whether the content or the whether the scale is providing the adequate coverage or not. If the content is providing the average adequate coverage, then this is a good form of validity, otherwise not. This is also called phase validity. A researcher will carefully define the objectives, and the dimensions of the research. There will be a logical process. It is subjective in nature. So content validity is basically the team of expert or the person who will review the content of the scale, and they will see whether it is adequate, it is providing adequate coverage or not. And if yes, then we have good validity. If not, then we don't have. Then we have criteria validity. Basically, it is the validity that is able. See, what is criteria validity? Ability of the variable. Ability of the variable to predict the key variable. Or it is the determination whether the scale is able to come up with the expectation with respect to other variables. See, हर चीज़ के लिए एक डिफाइंड क्राइटेरिया होता है कि सपोज अगर आपको अपने पीएचडी के कोर्स वर्क में पास होना है तो यू हैव टू स्कोर दिस दिस परसेंट. अगर आप कर देते हो देन यू आर पास, अगर आप नहीं करते हो तो देन यू आर फेल. तो आपको वो क्राइटेरिया पूरा करना है. तो ऐसी क्राइटेरिया वैलिडिटी में क्या होता है बेसिकली कि जो हमारा स्केल है, जो हमारी स्केलिंग टेक्निक है, वो हमारे अदर जो एक्सपेक्टेशंस है, वेदर विद द एक्सपेक्टेशन दे आर लिविंग अप टू दैट और नॉट, तो वो हमारा क्या होगा, क्राइटेरिया वैलिडिटी होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको रिसर्च करनी है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन देखना है, किस चीज़ में, ऑफरिंग स्नैक ड्यूरिंग शॉपिंग. तो इसमें क्या होगा बेसिकली कि आप देखोगे कि जो हमारा जो रिसर्चर है वो ये चीज़ देखेगा कि जो ये हमारा न्यू मेजरमेंट टेक्निक है, ये दूसरे ट्रेडिशनल मेजर्स ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड है कि नहीं है, उनके क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है. जैसे वो प्राइस को कंसीडर में लेते हैं, डिस्काउंट को कंसीडर में लेते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज को कंसीडर में लेते हैं. तो अगर वो उसको पूरा कर रहा है देन इट इज़ ओके, नहीं कर रहा तो ये गलत है. क्राइटेरिया वैलिडिटी भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है हमारी, कॉन्करेंट और प्रिडिक्टिव. प्रिडिक्टिव वैलिडिटी क्या होती है कि हमारा जो नया मेजर है, इफ़ आर न्यू मेजर इज एबल टू प्रिडिक्ट सम फ्यूचर इवेंट्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी बोलते हैं. लाइक कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज प्रिडिक्टिव वैलिड इफ इट इज फॉलोड बाय सेल्स इन नियर फ्यूचर. इसका क्या मतलब है बेसिकली कि अगर हमारा जो ये जो हमने अभी कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन पर रिसर्च की, अगर उसके बाद हमारी सेल्स होती है देन दैट मीन्स कि हमारा जो है इंस्ट्रूमेंट वैलिड है. कॉन्करेंट वैलिडिटी हमारा क्या होता है कि वेरिएबल्स आर एग्जीक्यूटेड एट द सेम, डाटा इज कलेक्टेड ऑन द क्राइटेरिया वेरिएबल्स एंड आर एग्जीक्यूटेड ऑन एट द सेम टाइम, देन आर रिसर्च हैज टू बी वैलिड. तो ये हमारा क्या होता है, कॉन्करेंट वैलिडिटी होता है. उसके बाद हमारी आती है कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी. बेसिकली कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी इज द इनिशियल नोशन, कंसेप्ट, क्वेश्चन, हाइपोथेसिस दैट डिटरमाइंस द व्हिच डाटा इज टू बी जनरेटेड एंड हाउ दे आर gathered. Suppose if a researcher has developed a scale to measure consumer preference for a consumer electronic food, then to evaluate a construct validity will correlate the result obtained by the new measure with well-known measure of consumer satisfaction. तो इसमें basically होता क्या है कि हमारा जो भी instrument है, जो भी हमारा researcher है, वो क्या करता है, मान लो उनको consumer preference के ऊपर research करनी थी, तो अगर हमें ये देखना है कि construct validity है कि नहीं है, तो वो जो भी रिजल्ट ऑप्टेन हुआ है उसको न्यू मेजर के साथ कंपेयर करेगा. अगर वो ठीक बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो वैलिड नहीं है. अब ये भी हमारा दो पार्ट्स में होता है, एक होता है हमारा कॉन्वर्जेंट, एक होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट. नाउ व्हाट इज कॉन्वर्जेंट? कॉन्वर्जेंट इज व्हेन
न्यू मेजर जो है वो सिमिलर मेजर के साथ जो है मैच खा जाते हैं, कोरिलेट कर जाते हैं. डाइवर्जेंट इज़ वेन हमारे जो न्यू मेजर्स हैं वो हमारे जो पुराने मेजर्स हैं उसके साथ क्या करते हैं, उसके साथ मेल नहीं खा पाते हैं. तो वैलिडिटी हमने देखा हमारी तीन तरह की होती है. द फर्स्ट वन वॉज कॉन्टेंट वैलिडिटी, जिसमें हम कॉन्टेंट देखते हैं हमारी रिसर्च का कि अच्छा है कि नहीं है. क्राइटेरिया, हम एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया देखते हैं, अगर वो फुलफिल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमारी रिसर्च वैलिड नहीं है. कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी में हम क्या देखते हैं कि जो हमारे नोशन है, क्वेश्चन है, हाइपोथिसिस है, वो हम ये देखते हैं वो जो पुराने सिमिलर मेजर्स हैं उसके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे. अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं देन इट इज़ अ कॉन्वर्जेंट वैलिडिटी, अगर कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब वो क्या है, डाइवर्जेंट वैलिडिटी. इसके बाद हमारा होता है रिलायबिलिटी. नाउ व्हाट इज रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी इज बेसिकली हिंदी में जिस पे आप भरोसा कर सको. तो रिलायबिलिटी इज व्हेन योर सी, एक अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, अब आप रिसर्च करने जाते हो, ये बंदा आपको रिस्पॉन्स देता है, ठीक है. दूसरी बात, सेम इस इंसान से आप सवाल पूछने जाते हो, अब जो रिस्पॉन्स उसने पहले दिए थे उससे जो अब रिस्पॉन्स दिए हैं वो बिल्कुल अलग है, तो क्या आपकी रिसर्च भरोसे के लायक है? मतलब आपने जो डाटा कलेक्ट किया है, जिन लोगों से आपने डाटा कलेक्ट किया है, अगर वो आपको करेक्ट डाटा नहीं दे रहे हैं, पहले कुछ और दे रहे हैं बाद में कुछ और दे रहे हैं, क्या आपकी रिसर्च पे भरोसा किया जा सकता है? तो ये हमारी रिलायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है. तो रिलायबिलिटी क्या है बेसिकली, आर रिसर्च इज सेट टू बी रिलायबल व्हेन वी एलिसिट द सेम रिस्पॉन्स फ्रॉम द सेम पर्सन टू एन आइडेंटिकल और नियर आइडेंट. मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊँ, सिंपल टर्म्स में आई टेल यू, इट इज़ द डिग्री बाई विच रिसर्च मेथड प्रोड्यूस स्टेबल एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट्स. मान लो इस इंसान के पास मैं 2 बार जा रही हूँ, 4 बार जा रही हूँ, उसके जो रिस्पॉन्सेज है वो सेम होने चाहिए, ठीक है. इसमें भी बहुत सारे इफेक्ट आते हैं, जैसे मेच्योरिटी इफेक्ट, की टाइम बड़े होने के बाद उनके रिस्पॉन्सेज बदल जाते हैं. उन सबको इग्नोर करते हुए हमें ये चीज़ देखनी है कि जैसे मतलब उन एरर्स को इग्नोर नहीं करना है, वो तो हम कंसिडर करेंगे, बट मेरा कहने का मतलब ये क्या है कि जो मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि अगर आप रिसर्चर्स, आप रिस्पॉन्डेंट्स के पास जाते हो तो जो वो आपको डाटा दे रहे हैं वो रिलायबल होना चाहिए. मतलब कि एक ही क्वेश्चन आप उनसे अभी पूछो या 4 दिन बाद पूछो, चाहे 8 दिन बाद पूछो, चाहे 12 दिन बाद पूछो, उनका आंसर जो है वो सेम होना चाहिए. सो बेसिकली अ रिसर्च मेथड विच प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट. तो ये समझ आई आपको बात, इसमें क्या है कि बेसिकली आपके सिमिलर रिस्पॉन्सेज होने चाहिए. अब रिलायबिलिटी भी हमारी तीन तरह की होती है. द फर्स्ट वन इज टेस्ट रीसेट रीटेस्ट रिलायबिलिटी. इसमें क्या होता है कि बेसिकली आप जो है सेम क्वेश्चन, इसमें क्या है, सेम सेम क्वेश्चन होता है, वो सेम रिस्पॉन्डेंट को दे रहे हो कुछ टाइम बाद, सेम रिस्पॉन्डेंट को दे रहे हो कुछ टाइम बाद, ये देखने के लिए कि वो उसने सही जवाब दिया है कि नहीं दिया. तो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी इज व्हेन सेम क्वेश्चन इज एडमिनिस्टर्ड टू द सेम रिस्पॉन्डेंट आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. तो इसके के अंदर रिलायबिलिटी निकालने के लिए आपको कोरिलेशन कोफिशियंट निकालना पड़ता है. अगर आपका जो कोरिलेशन कोफिशियंट है वो हायर है देन यू हैव हायर रिलायबिलिटी, अगर कोरिलेशन कोफिशियंट लोअर है देन यू हैव अ लोअर रिलायबिलिटी. तो टेस्ट रीटेस्ट क्या है कि एक बार आपने दोबारा रिस्पॉन्सेज कलेक्ट किए, कुछ टाइम बाद दोबारा आपने रिस्पॉन्सेज कलेक्ट किए. देन वी हैव इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी. इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी इज व्हेन टू इक्विवेलेंट, मतलब कुछ चेंजेस होते हैं फॉर्म्स में, दो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, दे आर कंस्ट्रक्टेड विद अ स्लाइट डिफरेंस, दे हैव दो हम आपके पास फॉर्म है, दे हैव सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं है, मतलब कुछ सिमिलर क्वेश्चंस है, सिमिलर और सेम में फ़र्क है. तो दे कंटेन सेम स्ट्रक्चर, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस विद स्पेसिफिक डिफरेंसेस. सो दे हैव सिमिलर सिमिलर क्वेश्चंस, मतलब इधर से आपने कभी इस क्वेश्चन में कान इधर से पकड़ लिया, उस क्वेश्चन में कान उधर से पकड़ लिया, बात वही पूछ रहे हो पर दो अलग तरीके से, इस तरीके से मैं बोल सकती हूँ, बात आप वही पूछ रहे हो पर दो अलग तरीके से. तो आप क्या करते हो, पहले ये देते देते हो फॉर्म, फिर उसके बाद ये दे देते हो, या फिर आप एक साथ दे देते हो, यू डिपेंड करता है. सो बेसिकली इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी इज व्हेन टू इक्विवेलेंट फॉर्म्स आर प्रेजेंटेड विद सिमिलर काइंड ऑफ आर्टिकल्स, विद सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस, विद सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, विद अ स्पेसिफिक डिफरेंस. यू हैव टू रिमेंबर दिस, एक जैसा नहीं दिया, एक जैसा इसमें दिया, विद अ स्पेसिफिक डिफरेंस, एंड देन यू आर टेस्टिंग इट अगैन एंड अगैन. तो इसमें हमारा क्या होता है, बेसिकली इन टेस्ट रीसेट अ रिसर्चर कंसिडर पर्सनल एंड सिचुएशनल फ्लक्चुएशंस इन रिस्पॉन्सेज इन टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स. Where in case of equivalent form reliability, two equivalent forms are administered to the subjects at two different time. Two equivalent forms are administered at two different times. See, and then we have internal consistency reliability. Internal consistency reliability is used to assess the reliability of a summated scale, basically.
इसमें हमारा क्या होता है, इंटरनल रिलायबिलिटी में हम क्या कहते हैं कि हमारा जो सेवरल आइटम्स हैं उनको सम अप कर देते हैं टोटल स्कोर में। इसमें हम क्या करते हैं, देखो जो हमारे आइटम्स हैं उनको दो इक्वल पार्ट्स में, दो इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। वी डिवाइड द आइटम्स इनटू टू इक्वल एंड ग्रुप्स, ठीक है। द डिवीजन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ यू नो ऑड क्वेश्चन इसमें डाल दिए, इवन क्वेश्चन इसमें डाल दिए। इस तरीके से आप डिवीजन करते हो। बेसिकली यू आर रैंडमली स्प्लिटिंग अप योर क्वेश्चन पेपर, और यू आर स्प्लिटिंग अप योर क्वेश्चन पेपर अकॉर्डिंग टू अ प्री डिफाइंड एस्पेक्ट। आफ्टर डिवीजन जो है रिस्पॉन्सेज जो है वो क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं कि नहीं करते। तो जो हायर कोरिलेशन है मतलब हायर इंटरनल कंसिस्टेंसी, लोअर कोरिलेशन कॉफिशियंट है मतलब लोअर इंटरनल कंसिस्टेंसी। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, बेसिकली इसमें हमारा क्या होता है, इसको हम स्प्लिट हाफ टेक्निक भी कहते हैं। आइटम्स आर डिवाइडेड इंटू टू इक्वलेंट ग्रुप्स एंड देन यू आर यू नो आफ्टर डिवाइडिंग यू आर फाइंडिंग द कोरिलेशन बिटवीन देम। तो इसमें जो है एक टर्म यूज होती है हमारी क्रॉनबैच एल्फा। एक सेकेंड, लेट मी राइट हेयर, आई डोंट नो वाई माई मार्कर इज नॉट वर्किंग। क्रॉन क्रॉन बैच एल्फा, नाउ वट इज क्रॉन बैच एल्फा? क्रॉन बैच एल्फा इज बेसिकली अ रिलायबिलिटी कोफिशियंट मेजर, वेयर यू नो इफ योर क्रॉन बैच एल्फा इज मोर देन 0.7, दैट मीन्स योर टेस्ट इज मोर रिलायबल, इट इज वेरी मच सेटिस्फैक्ट्री। एंड इफ इट इज समवेयर बिटवीन 0.55 to 7, दैट मीन्स इट इज सेटिस्फैक्ट्री। अगर इससे कम है देन मीन्स इट इज अनसेटिस्फैक्ट्री। तो बेसिकली ये 0 से 1 की रेंज में क्या करता है, लाई करता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी इज बेसिकली एबिलिटी ऑफ एन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द मीनिंगफुल डिफरेंसेज इन द रिस्पॉन्स ऑब्टेन फ्रॉम अ सब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या है, देखो आप क्या करते हो, कोई रिस्पॉन्स है जैसे मान लो येस और नो, अब उसमें से आप कुछ मीनिंगफुल रिस्पॉन्स निकाल सकते हो। आपको कार पसंद है, आपने बोला येस, आपको पसंद नहीं है, आपने बोला नहीं, खत्म। इसके अलावा इसमें कुछ आप मीनिंगफुल सब्जेक्टिव चीज़ें निकाल ही नहीं सकते। यू कैन नॉट यू नो कुछ उसमें कैटेगरी ऑफ रिस्पॉन्सेज में से आप मीनिंगफुल डिफरेंसेज नहीं निकाल सकते हो। बट लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको कार स्ट्रांगली पसंद है, स्ट्रांगली एग्री हो आपकी, आपको ये चीज़ बहुत पसंद है, स्ट्रांगली डिसएग्री हो, तो आप इसमें मीनिंगफुल डिफरेंसेज निकाल सकते हो। तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर द मीनिंगफुल डिफरेंसेज इन द रिस्पॉन्सेज ऑब्टेंड। मतलब जब आप मीनिंगफुल डिफरेंसेज निकाल सकते हो जो भी आपके रिस्पॉन्सेज हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली सेंसिटिविटी। तो अगर आपके रिसर्च में ये तीनों है देन यू आर हैविंग अ गुड रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, अदरवाइज नॉट। उसके बाद है हमारा कि आपको बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करने हैं बिफोर एक्चुअली सिलेक्टिंग एनी जो है स्केल, आपको बहुत ध्यान में देना है। तो अब वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले तो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है रिसर्च कंडक्ट करने के, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। या फिर जो है आपके जो है डाटा कैसा है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। नाउ ऑब्जेक्टिव्स में हमारा क्या है, बेसिकली अगर आपके, देखो आपके न्यूमरस ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं, यू कैन हैव न्यूमरस अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, और आपके जो है वर्सेटाइल ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं। बेसिकली अगर आपको बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को कवर करना है तो आप ऐसे मल्टीपल स्केलिंग टेक्निक्स यूज करोगे, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपको ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को कवर नहीं करना तो आप सिंगल वाला भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स जो है मेजरमेंट स्केल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाइल डिसाइडिंग अबाउट द मेजरमेंट ऑफ द स्केल द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी कंसिडर्ड। देन वी हैव द डिसीजन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्केल पॉइंट्स। नंबर ऑफ स्केल पॉइंट्स का क्या मतलब है यहाँ पे, बेसिकली कि जो हमारे जनरली हमारा जो नंबर है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जनरली आपके 3 पॉइंट, नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ो, 3 पॉइंट स्केल भी यूज़ हो सकते हैं, गुड बैड न्यूट्रल। 5 पॉइंट स्केल भी यूज़ हो सकते हैं, 7 पॉइंट स्केल भी यूज़ हो सकते हैं, 9 पॉइंट स्केल भी यूज़ हो सकते हैं, 11 पॉइंट स्केल भी यूज़ हो सकते हैं, और जो बहुत ज़्यादा रेयर केसेस हैं उसमें 13 पॉइंट स्केल भी क्या हो सकते हैं, यूज़ हो सकते हैं। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट सिंपल है, हमारे पास देयर इज नो मेजर इम्पैक्ट ऑन द रिस्पॉन्डेंट लाइफ, तो 3 पॉइंट स्केल भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लिखनी है रिस्पॉन्डेंट की, तो आप 5 पॉइंट स्केल यूज़ कर सकते हो। बट लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा, इफ़ यू वॉन्ट टू यू नो गो फॉर हायर इन्वॉल्वमेंट, देन यू कैन गो फॉर द 7 और 9 रेटिंग स्केल।
तो नंबर ऑफ कैटेगरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन सी कैटेगरीज में बांटना चाहते हो, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट का पता नहीं कर लग रहा, जैसे जैसे आप पॉइंटर्स बढ़ाते जाओगे तो आपका जो है पॉइंटर्स जो है वो जाएगा। और दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है, अगर आपको लगता है कि आपका जो रिस्पॉन्डेंट है वो ज़्यादा अवेयर नहीं है, वो अनअवेयर है चीज़ों को लेकर, तो आप ज़्यादा पॉइंट कैटेगरीज ऐड ही नहीं कर सकते, आपको कम कैटेगरीज ही ऐड करनी पड़ेगी। जैसे अगर कोई अनकंफर्टेबल है लार्ज नंबर ऑफ कैटेगरीज से तो भी आप नहीं कर सकते हो डाटा, या फिर ये, तो ये चीजें आपको जो है बहुत इन ध्यान में रखनी है। उसके बाद है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड स्केल। नाउ व्हाट इज बैलेंस्ड एंड व्हाट इज अनबैलेंस्ड स्केल? एक बैलेंस स्केल है क्या है, यहाँ पे स्ट्रांगली डिसएग्री है, यहाँ पे स्ट्रांगली एग्री है, यहाँ पे डिसएग्री है, यहाँ पे एग्री है, यहाँ पे न्यूट्रल है, मतलब कि दोनों साइड बराबर है, कोई बायसनेस नहीं है, ना तो स्ट्रांगली एग्री की तरफ झुकाव है ना तो आपका एग्री की तरफ झुकाव है। तो बेसिकली ये होता है हमारा बैलेंस। अनबैलेंस्ड होता है कि तीन साइड आपकी पॉजिटिव दिखा रही है, दो साइड नेगेटिव दिखा रही है, चार साइड पॉजिटिव दिखा रही है एंड द वन साइड इज शोइंग नेगेटिव। सो व्हेन द रिस्पोंडेंट हैव अ टेंडेंसी टू मूव टूवर्ड्स हायर ऑब्जेक्ट और द इन्वॉल्वमेंट टूवर्ड द पॉजिटिव थिंग इज देयर, तो इट इज कॉल्ड अ अनबैलेंस स्केल। तो जनरली रिसर्चर्स गो फॉर बैलेंस स्केल बिकॉज दे हैव इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल आउटकम्स। समटाइम्स द रिसर्चर ऑल्सो मूव टूवर्ड द स्क्यूड रिस्पॉन्स वेदर इट इज गोइंग टूवर्ड्स फेवरेबल और इट इज गोइंग टूवर्ड्स अनफेवरेबल। तो यहाँ पे जो है अनबैलेंस स्केल आ जाता है यूज में। देन यू हैव डिसीजन ऑन द बेस ऑफ यूज ऑफ सिंगल आइटम और मल्टीपल आइटम। सो एज आई सेड अर्लियर दैट इफ योर रिसर्च हैज़ वन एट्रीब्यूट देन यू कैन यूज सिंगल आइटम स्केल, एंड देन वीन यू हैव मोर देन यू कैन यूज मल्टीपल आइटम स्केल, एंड देन यू हैव डिसीजन बेस्ड ऑन फोर्स्ड एंड नॉन फोर्स्ड। सपोज यू वॉन्ट एन आंसर इन अ फोर्स रेटिंग से रिसर्चर डू नॉट इंक्लूड अ नो ऑप्शन इन द स्केलिंग पॉइंट वेयर इन अ नो स्कोर चॉइस नो ऑप्शन इज इंक्लूडेड। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप नो ऑप्शन देते ही नहीं हो, तो अगर आपको फोर्स करना है तो आप जो है बेसिकली इफ़ यू वॉन्ट दैट योर रिस्पॉन्डेंट शुड प्रोवाइड एन आंसर देन यू कैन गो फॉर इट। इफ यू वॉन्ट दैट यू नो लेट इट बी अनडिसाइडेड और लेट इट बी इन द मिडल पॉइंट देन यू कैन गो फॉर दी नॉन फोर्स चॉइस। तो बेसिकली जनरली क्या होता है, रिस्पॉन्डेंट टेंडेंसी इज ऑलवेज टू सेलेक्ट द मिडल ऑप्शन, इसीलिए वो मिडल ऑप्शन जो है वो हटा देते हैं। तो रिसर्चर कैन यू नो हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड ऑल्सो। एंड देन यू हैव ओके देन यू हैव डिसीजन बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स डाटा टाइप जनरेटेड। बेसिकली सी देयर इज अ डाटा टाइप कैन बी यू नो यू कैन यूज कैटेगोरिकल डाटा, और एज आई टोल्ड अर्लियर कि हमारा डाटा जो क्वांटिटेटिव होता है क्वालिटेटिव होता है। तो अगर आपको नॉमिनल डाटा कलेक्ट करना है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप कर सकते हो, डेमोग्राफिक फैक्टर्स अगर आपको कुछ कलेक्ट करने हैं तो आप सीधा नॉमिनल डाटा के ऊपर जा सकते हो। अगर आपको रैंकिंग करनी है तो देन यू कैन यूज रैंकिंग मेथड्स, और तो कंपेरेटिव स्केलिंग भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आपका डाटा कैसा आपको कलेक्ट करना है ये भी स्केलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो दीज फैक्टर्स यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल जो है कंडक्टिंग योर रिसर्च। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।